बहुत परेशान सुबह से हुई हूँ। अब देखिए पूरा दोपहर बाकी है, क्या होता है भोले बाबा सब के। ऐसे कहाँ देखते रहते, कभी देखा नहीं क्या किसी को ब्लॉगिंग करते हुए? अजीब है सब। यहाँ पे पिन मार के गए थे, कीचड़ है तो यहाँ से मुझे ठेल कर जाना होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है सोमवार का दिन, वीडियो हो सकता है मंगलवार को जाए। तो आज देखिए सुबह से ही थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है सुनीता को। अंधेरा में आज मुझे सब कुछ मतलब करना पड़ेगा, खाना वगैरह वो सब बनाना पड़ेगा। बच्चों का स्कूल होते एब्सेंट भी नहीं करवा सकते हैं, तो बस मोबाइल का लाइट मैंने जलाया हुआ है। और अभी मैं वही आप लोगों को बोल रही थी कि रात भर इधर काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से लाइट है नहीं और बैटरी भी ख़त्म हो चुका है। तो अंधेरा में ही चलिए बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस भुंजिया बनाऊंगी, तो एक ही साथ ही मैं भुंजिया कट कर दे रही हूँ। बार बार बनाने का झंझट नहीं रहेगा, सासू मार हम तो फास्टिंग रहेंगे, बाकी ये लोग ही खाएंगे। तो गैस फिर तो वही मतलब बचत करना ही होगा ना। तो यहाँ पे मैंने भुंजिया कट कर ली हूँ, तो भुंजिया को फिर मैं यहाँ पे छौंका लगा देती हूँ। और आज के दिन प्याज लहसुन कुछ नहीं ऐड करूँगी, 5 फ़ोरन और मिर्च तोड़ कर डाल दिया है। तो मोबाइल का स्ट्रिप लाइट जल रहा है फ्रेंड, साथ ही मुझे अभी थोड़ा सा रोटियां भी बनानी है। और सुबह सुबह जितना भी जल्दी हम करते हैं ना, मतलब घर में काम पता नहीं चलता, एक के बाद एक, एक के बाद आए आ जाता है। ऊपर से मच्छर तो काफ़ी परेशान किए हैं। बैटरी था तो सुबह 4 बजे बैटरी ख़त्म हो चुका है, 2 पंखे चल रहे थे, लाइट जल रही थी, तो इस वजह से। और यहाँ पर आई सी बिटिया को दे दिए हैं नाश्ता, तब तक मैं फटाफट से आटा सान लेती हूँ। और एक ही साथ ही यहाँ पर सारे रोटियाँ भी बन जाएगी। और ये जो रात का रोटी बच जाता है ना, मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, तवे पर गरम करके हल्का सा तेल देके उसे हम खा लेते हैं। बिस्किट जैसा कुरकुर लगता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए सारे रोटियाँ भी यहाँ पे बन चुकी है, भुंजिया भी हो गया है, टिफ़िन पैक करना है मुझे। और डेक्ची में मैंने पानी ले आया है, एक साथ मैं यहाँ पे ना भात भी चढ़ा दूंगी। आज हमें मंदिर भी जाना है, फिर करते करते काफ़ी देर भी हो जाती है। तो सुबह ही अभी जब चूल्हा में जोड़ी हुई हूँ, तो साथ ही इधर जब तक मैं घर का काम करूँगी तो भात भी इधर बन जाएंगे। दोस्तों बच्चे चले गए हैं स्कूल और बहुत आज थोड़ा हड़बड़ी, मतलब हड़बड़ी के टाइम से ही उठी थी, बट ऐसा होगा नहीं सोचा था लाइट वगैरह, तो थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए बहुत हड़बड़ी बज के भी थोड़ा सा लेट हो गया। पता नहीं गाड़ी चला गया होगा ना क्या, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता ना कि क्या करें। तो चलिए आज थोड़ा बेडशीट वगैरह सब सारा कुछ चेंज करना है, धोना है, धूप दे रहा है तो धो देती हूँ। लाइट का तो पता नहीं, भरोसा नहीं, मोबाइल का बैटरी भी ख़त्म होने को, तो आज सोमवार का दिन, लेकिन बट मुझे नहीं लग रहा आज मैं वीडियो एडिट कर पाऊँगी, बैटरी ख़त्म होने को। जब तक लाइट आएगी नहीं तब तक मैं चार्ज कैसे करूँगी मोबाइल। तो बहुत परेशान सुबह से हुई हूँ, अब देखिए पूरा दोपहर बाकी है, क्या होता है भोले बाबा की कृपा। चलिए आगे मिलते आप लोगों से ब्लॉग पे, मैं सारा काम खत्म कर हेलो लेती हूँ। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। सावन का आज है तीसरा सोमवार, तो घर में पूजा पाठ हो गया है और थोड़ा सा धूप दिया ना, तो सारा चादर वगैरह धो के हम डाल दिए। लेकिन अभी सासू माँ के साथ जा रहे हैं हम पुराना वाला मंदिर, मतलब वहाँ शिव जी अपने से प्रकट हुए हैं। अभी पूरा मंदिर बना भी नहीं है, कई बार मैंने शेयर भी किया है, मतलब गई हूँ ब्लॉग में, तो वही मंदिर हम जाने वाले हैं। बारिश का वजह से रास्ता पूरा कीचड़ है, तो हम पैदल ही चल के जाएंगे, तो हम और सासू माँ ही जा रहे हैं। तो चलिए जैसे होगा कंटिन्यू ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर होगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, एक प्यारा सा कमेंट, हर हर महादेव, और सुनीता की मेहनत को देखते हुए सपोर्ट जरूर करें। तो यहाँ देखिए हम और ससुर में निकल गए हैं, कड़ी धूप है आज, छाता लेके निकले हैं। कहती रही बना की ये है सबसे पुराना मंदिर, जब शिव जी मतलब यहाँ प्रकट हुए थे, मंदिर वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था। अभी थोड़ा बहुत मंदिर बन गया है, तो हम खेती वाले रास्ते से यहाँ जा रहे हैं। हमारे घर से करीब 20 मिनट का रास्ता है पैदल, तो पैदल ही हम आए हैं। और जैसा कि धूप भी कड़ा है, मंदिर में पंडित जी थे ही, भीड़ है थोड़ी बहुत, तभी मंदिर बन गया है। और इधर साइड से इधर इस रास्ते से हम आए हैं, मतलब 2 गांव पार करके, और यहीं पे एक नल है, वहाँ से हम अभी लाएंगे पानी। और पैर हाथ भी थोड़ा सा हम धो लेते हैं। यहाँ पे पूजा चल ही रही थी, पंडित जी अंदर बैठे हुए हैं, सब लोग
भक्तजन पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पीपल का पेड़ भी है पास में और सास मतलब तब तक यहाँ पे थाली में सब चीज़ निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं भी पूजा कर लेती हूँ। तो मेरा पूजा पाठ समाप्त हो चुका है। पंडित जी बाहर में घूम रहे हैं दक्षिणा के लिए। सास मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी लाने गए थे, मतलब वो शिव जी का जो पानी यहाँ पे रहता है ना वही, और शिव जी का दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। तो ये दिखा दिया मैंने आप लोगों को मंदिर वापस से एक बार फिर, और हम अभी सास बहू निकल गए हैं घर जाने के लिए वापस से पैदल। तो आपको चलिए रास्ता का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। हरियाली हरियाली खेत, सब में धान लगे हुए हैं, देखिए पूरा इधर तो रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारे वहाँ से थोड़ा सा कच्चा रोड है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो अभी खेतों में काम चल रही है, धान वगैरह सब लगाया जा रहा है। तो रास्ता बिल्कुल मतलब सन्नाटा नहीं था। और यहीं पर बगल में जो है ना शमशान भी है, देखिए कैसे तालाब में पानी बह रहा है, या तो पोखर का ही है छोटा सा। गांव के लोग यहां पे आते हैं कपड़े धोने नहाने। ये अभी बारिश काफ़ी हुई ना इसलिए पानी पूरा आपको कचरा दिख रहा है, बट गांव में ऐसी ज़िंदगी होती है, यही सब पानी में कपड़ों पर सब धोते हैं। कितना अच्छा मौसम दिख रहा ना, पूरा हरियाली। तो आधा रास्ता हम पहुँच गए हैं चलते चलते, अभी हमें और 10 मिनट लगेंगे। इधर देखिए रोपाई चल रही है। तो दोस्तों अभी जस्ट घर पहुँचे और बहुत कम चलते हैं ना, तो उसके चल चल के हालत ख़राब हो गया। जान के आज सारा चादर वगैरह में धोए थे ना, पानी का भरोसा नहीं चला। छाता भी लेके गए थे और सब कपड़ा को गैरेज के नीचे डाल के गए थे, बट पानी नहीं आया। तो अभी आके सब कपड़े सब हम निकाल दिए हैं बाहर में, इधर सूख रहे हैं। और ऐसा हुआ कि जाते समय मेरा सैंडल टूट गया, फिर पिन मार के हम गए। पक्का पूरा गर्म था रोड, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा था। अभी मैं नींबू ले आई हूँ, थोड़ा सा भी शरबत वगैरह पीऊँगी। काफ़ी थकान सा लग रहा, थक गई काफ़ी। थोड़ा सा शरबत पी के कुछ मीठा वगैरह प्रसाद प्रसाद खाएंगे, उसके बाद चलिए। अभी तो हिम्मत नहीं हो रहा, थोड़ी देर बाद जैसा होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पिन मार के गए थे। दोस्तों मोबाइल को चार्ज करके मैं जस्ट अभी लेटने ही वाली थी, तो हस्बैंड जी का कॉल आया, बोले कि दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ है, खाने भी नहीं आ पाएंगे, तो बच्चों को लाने के लिए जा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ रास्ता बहुत कीचड़ है, मैं 2-3 बार गिरी भी हूँ स्कूटी से, इसलिए हम सासू माँ के साथ ना पैदल गए थे इतना दूर मंदिर, तो चल चल के हालत ख़राब हो गया। और अभी बोल रहे को ऐसे ही ठेल के जाओ, जैसे भी जाओ बच्चों को ले के आओ। पता नहीं हस्बैंड सब क्यों नहीं प्रॉब्लम समझते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। मुझे डर भी लग रहा है कि स्कूटी कैसे पार करूंगी। रोड से जस्ट नीचे इधर हमारे इधर कच्चा रोड है ना, तो पूरा कचरा क्या बोलेंगे, पूरा कादो जो बोलते हैं ना मट्टी, वो जम गया, तो चक्का फंसता है, तो मुझसे नहीं संभाला जाता। और एक्टिवा तो बहुत ज़्यादा भारी भी होता है। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए वैसे करके गाड़ी निकालने का कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगी, चलिए बस। अभी देखिए यहाँ पर मैं केला ही खाई थी 2, बच्चों को लेकर आते हैं वहाँ कब्रिस्तान पास जाना होगा, नहीं तो फिर बच्चे अकेले रहेंगे, तो आज बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली हूँ मैं। देखिए दोस्तों बच्चों का गाड़ी जा रहा है, यहाँ ICBT आ गई है और इधर है हमारा कब्रिस्तान, आप देखिए। कभी कभी जब तो दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे अभी मैं पागल जागल हो गई, निकल गई हूँ, देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो बच्चे आ गए हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं। तो दोस्तों आते जाते ना सब देख रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके मैं ले रही थी, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे सब देखते रहते हैं। तो इधर हमारा देखिए कब्रिस्तान पड़ता है पूरा, तो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। तो मैं गाड़ी निकाली, सासू माँ थोड़ा सा धक्का लगा और वहाँ से मतलब गेट पर से थोड़ा मैं रोड तक गाड़ी को ठेल के ही लाई, उसके बाद फिर रोड जब आ गया तो चालू करके। अभी भी वैसे ही करूँगी, रोड पे बच्चों को उठा दूँगी और उसके बाद फिर गाड़ी चालू करूँगी। तो चलिए रोड पर खड़े हैं, सब देख रहे हैं, तो मैं निकलती हूँ अभी घर के लिए। सब ऐसे कहाँ देखते रहते, कभी देखा नहीं क्या किसी को ब्लॉगिंग करते हुए, अजीब है सब। कार्ड वाला दी सोने को दे दी।
कब्रिस्तान। देखिए दोस्तों, कब्रिस्तान के बाहर में यहाँ खड़े रहती हूँ, अकेले उपास में। फिर भी अभी जैसे ऑर्डर दिए तुरंत हम आएंगे। अभी डर को पीछे छोड़ के कि चलो भाई बच्चे को लाने जाना, तो गाड़ी को ठेल के। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात हम यहाँ नहीं करेंगे, घर पहुँच के बात करेंगे। यहाँ से हमें इधर वाली रोड से आई तो आगे पूरा कीचड़ है, तो यहाँ से मुझे ठेल के जाना होगा। आयुषी बेटी अभी जाएगी, गाड़ी खड़ा कर दी है। देखिए अब घर है हमारा, घर गाड़ी को ठेल के ही पार करना बेस्ट रहेगा। तो दूसरे वाला जो साइड वाला रोड है वो तो ज्यादा कीचड़ था, तो इधर से ही मुझे अच्छा लगा, बेटर लगा। हाँ, मैं जा रहा सकती हूँ रोड, आप देख सकते हैं कब बनेगा पता नहीं। तो ऐसे ही ठेलते हुए मैं यहाँ दरवाजा तक पार करती हूँ, और फिर मम्मी सुनेंगे नहीं तो फिर गाड़ी को चालू करके यहाँ पे मैं हॉर्न मारती हूँ। सो दोस्तों, आज बिल्कुल भी मैं रेस्ट नहीं कर पाऊँगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप तो देखिए आयुषी को लेकर, बच्चों को लेकर आई, शाम हो गया, और अभी जो है ना मौसम बहुत भयानक कर दिया है उधर बारिश वाला। तो इधर जैसे ना अभी डेली सांप बिच्छू ये सब निकल रहा है किचन में, खतरा सा खाली नहीं है रात में के। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो अभी चलते हैं शाम का मतलब रात का खाना बनाने के लिए। मैं थोड़ी देर लेट गई थी वैसे, फिर आयुषी उठाई मुझे कि थोड़ा बारिश आने वाला है, मौसम बहुत भयानक क्या हुआ है। तो यहाँ पे मैं देखी फिर हस्बैंड जी आए नहीं है खाना बनाने, थोड़ा सा मैं सेमई बनाया हुआ था तो खाने का इच्छा नहीं हो रहा है मुझे, और देखते हैं रात में अगर खाएंगे तो भुंजिया भी है, भात भी है, और थोड़ा सा मशरूम है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों से वही बोल रही थी कि रोटी ही सिर्फ बनाना है मुझे, सब्जी नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं लग गई थी रोटी बनाने के लिए, बट ना मुझे हस्बैंड जी का कोई भरोसा नहीं लगता, नहीं आएंगे बोलते हैं, फिर वो टपक जाते खाने के लिए। तो यहाँ पर ना मैं एक्स्ट्रा 5 से 6 रोटी ज़रूर से बनाती हूँ, और मौसम देखिए पूरा बारिश वाला कर दिया है, और बहुत देरी के बाद लाइट आई तो थोड़ा सा बैटरी चार्ज हुआ है, और मेरा जो अंदाज़ा था ना वो सही था, मैंने जानबूझ के ही ज़्यादा रोटी बनाया था। तब तक देखिए हस्बैंड जी आ जाते हैं और यहाँ पे फिर खाना बोलते हैं देने के लिए, तो मैं उन्हीं को अभी खाना निकाल के दे रही हूँ। तो अच्छा हुआ मैं ज़्यादा ही बनाई थी रोटी, और अभी सोच रही थी कि सब्जी का टेंशन नहीं है, बट हस्बैंड जी अभी मार्केट से सब्जी ले आते हैं, पटल और कुंदरू, तो वापस से मुझे कुछ सब्जी अभी बनाना होगा। तो सोच रही थी मैं कब थोड़ा सा टाइम मिले तो थकान थोड़ा सा मेरा दूर हो, बट अभी मुझे दोस्तों सब्जी फिर कट करना होगा, सब्जी बनाना होगा। तो इनका ना यही रहता है, नहीं आएंगे बोलते हैं फिर आ जाते, इसलिए मैं एक्स्ट्रा रोटी बनाए रहती हूँ। अभी अगर नहीं बनाती ना तो फिर वापस से मुझे फिर आटा सान के बनाना पड़ता। और देखिए तब तक ना बहुत भयानक सा बारिश शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो आज का दिन इतना मैं परेशान होंगी, नहीं सोची थी, कभी कभी ऐसा होता है तो बर्तन भी काफ़ी जमा होगा। तो यहाँ पे देखिए पानी चूरा है, तो लोटा सब मैं रख देती हूँ, ज़्यादा बारिश गिरने से ना बहुत दिक्कत हो जाती है किचन में। तो चलिए दोस्तों, ये सब काम तो चलता रहेगा, आज का ब्लॉगिंग यहीं तक रखते हैं, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती